सिद्दीक अकबर सिर्फ सदके के मसले में इतने सीरियस नहीं, ये हर मसले में इतने सीरियस थे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था अमीर अल मोमिनीन कुछ नरमी करो, ये जो मुनकरीन ज़कात हैं, सिर्फ ज़कात के मुनकर है ना, नमाज के तो मुनकर नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो मुनकर नहीं है, ये काबे को काबा मानते हैं, कलमे को कलमा मानते हैं, सिर्फ ज़कात के मुनकर हैं। तो मैंने हदीस सुनी हुई है कि जो कलमा पढ़ ले उसकी जान महफूज होती है, तो आप कहते हैं मैं इनके खिलाफ तलवार चलाऊंगा। तो उस वक्त भी कोई मसला पैसों का नहीं था, मसला जान हथेली पे रख के लड़ने का था। और हजरत उमर कह रहे थे अब कुछ वक्त तक अपने आप को मस्जिद नबी तक ही महदूद कर लें, क्योंकि बाहर हालात बड़े खराब हो गए हैं। उस वक्त क्या कहा था सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, का कत्तम दीन वन का तल वही अयुन का सोवान है, उमर दीन पूरा हो गया, वही बंद हो गई, अब मेरे जिंदा होते हुए दीन में तब्दीली हो नाकिस हो जा, मैं जिंदा होते हुए नहीं होने दूंगा। अब लोग कहते हैं हजरत फातिमा भी तो पड़ी हुई थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने उमर भी तो पड़े हुए थे। सरकार फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी बनना होता तो उमर नबी होते, वो मुहद्दस और साहिब इल्हाम जिनकी तजवीज पे कुरान उतरे। वो कहते हैं तो पॉलिसी बदलो, और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते नहीं बदलूंगा, और फरमाया अबू कुहाफा के बेटे की क्या हैसियत कि नबी पांच रुकन दे के जाए और अबू बकर चार कर दे। छुट्टी देनी थी तो नबी पाक ने देनी थी, अबू बकर की हैसियत छुट्टियां देने की नहीं, ये तब्दीली नहीं कर सकता उस अमानत में। और फिर झंझोड़ा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को, या उमर मालका अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम, उमर तुझे क्या हो गया है, जाहिलियत में बड़ा दलेर हुआ करता था, आज तुम डरपोकों वाली बातें कर रहे हो। और इमाम जाफर सादिक ने अपने मुनाजरे में दलील देते हुए कहा कि हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा खुदा की कसम है ये लूंडे मुर्तद ये तो है थोड़े से, अगर इनके साथ जितने पत्थर हैं कायनात के, जितने दरख्त हैं कायनात के, जितने ढीले हैं कायनात के, जितने दरख्तों पे कांटे हैं कायनात के, जितने जिन हैं कायनात में, जितने इंसान हैं कायनात में, ये सारे आ जाएं, लका तल तो हम वहदी, अबू बकर अकेला इनका हिसाब पूरा करेगा। अब देखिए इसमें हदीस शरीफ ये नहीं, क्योंकि इस मसले में अबू बकर जिद कर बैठे, बात थी वहां भी जहां लड़ना था जाके, घर नहीं बैठना था। और हताशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ना कहती है वल्लाही लो नाजला बिल जिबाल रासियाती मा नाजला बि अभी लहादहा, कि इतने फितने थे अगर वो बोझ पहाड़ों पे पड़ता तो रेजा रेजा हो जाते, अब्बा जी के कंधों पे पड़े हैं। फरमाया अब्बा जी पैदल चल के नहीं गए, उड़ के पहुंचे और आग जाकर बुझा दी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहने लगे अगर रब्बे जुल जलाल मेरी जिंदगी की सारी फतुहात के बदले, सारी फतुहात के बदले अगर अल्लाह मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का सिर्फ एक दिन दे दे तो मैं समझूंगा मैं बड़ा फायदे में रहा। वो कहां कैसरो किसरा की कमर तोड़ना, वो लाखों किलोमीटर तक इस्लाम की हुदूद को फैला देना,
पूछा वो कौन सा एक दिन इतना कीमती है? फरमाया जिस दिन मैं कहता था कि अमीरुल मोमिनीन हाथ हल्का रखो, अमीरुल मोमिनीन हाथ हल्का रखो, अगर अबू बकर सिद्दीक मेरे कहने पर मान जाते तो दीन तो उसी दिन खत्म हो जाता, वो ना माने क्योंकि पहले नंबर वाले की सलाहियतें भी पहले नंबर की थी। और ये नहीं कि इन्होंने हदीस नहीं मानी, हदीस की भी अदबी की, नहीं नहीं, ये वाजे किया उमर हदीस मुझे भी आती है, लेकिन समझो समझो क्या कि जब जरूरियात दीन में से किसी एक का भी कोई इनकार करे तो सबका इनकार होता है। ये आज भी सुला कुलियों के लिए कुलिया है, इससे सबक हासिल करें। कोई कहता फलां भी कलमा तो पढ़ता है, फलां भी तो कुरान पढ़ता है, तो तुम उसको के खिलाफ क्यों हो? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा उमर इस्लाम ऐसा नहीं कि आधा रूठ जाए और बाकी आधा वही रहे। जब एक चीज का इनकार हो तो सबका इनकार होता है। इनकी नमाज नमाज नहीं है, मुनकरे ज़कात की नमाज खत्म, रोजा रोजा नहीं, हज हज नहीं, कलमा कलमा नहीं। तो मैं इनके खिलाफ काफिरों जो खिलाफ जो जिहाद किया जाता है वो करूंगा, क्योंकि ज़कात का इनकार मामूली ना समझो। आज 14 सदियों के बाद भी मुफ्तियों के लिए यह समझना मुश्किल है। करोड़ों सलाम हो सिद्दीक अकबर के इल्म को। उमर कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही थी और मैं स्टैंड ले गया, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो मुझसे आगे थे, क्योंकि पहले नंबर वाले की फकाहत भी पहले नंबर की थी। कि ये सिर्फ फदक वाला ही मसला नहीं था कि कोई फुदक फुदक कर रहे हैं लोग, यहां हर मसले में सिद्दीक अकबर की पॉलिसी नक्श अल हजर थी। पर मैं मेरी हैसियत क्या है कि मैं बदलूं? मैं नहीं बदलूंगा, उसी पर रहेगा निजाम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर रखा था।